हे दोस्तों, आप देख रहे हो मिंट क्राफ्ट हैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पहले दो लकड़ी के टुकड़े लेने हैं ऐसे, और होल कर देना है इस चिमटे पे, जिससे आपको सही बैलेंस मिल जाए इसका, और लकड़ी ऊपर नीचे ना हो, आगे पीछे ना हो, और ड्रिल से इसको सही से हो। मेरी वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों, दोस्तों और गर्लफ्रेंडों से कहना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, वरना पता ही नहीं चलता है कि, और मैं पूरे दिन यही सोचता रहता हूँ। आप समझ गए होंगे। तो अब थोड़ी वीडियो की बात कर लेते हैं। अभी हमको इस पर डॉट करने होंगे, जिससे कि हम होल कर सके। तो एक माइक्रो पेन से हम इस पर डॉट 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 करेंगे। इसके बाद हम निशान वाली जगह पर ड्रिल करेंगे सही से। हमें ध्यान रखना है कि हम एक दूसरे होल के करीब ड्रिल ना करें, उनको सही से जहाँ पर डॉट हुआ है वहीं पर ड्रिल करें, ठीक है। तो इसके बाद हम टूथपिक को यूज़ करेंगे। एक मेरे को देना, मेरे दांत में कुछ फंस गया है। और आप मेरी तरह ये फ्रेम वाली लकड़ी यूज़ ना करें, वरना ये सारे टूथपिक आपको अपने पिछवाड़े में घुसे मिल सकते हैं। तो और ये रबड़ का टुकड़ा मैंने अपने फुटबॉल के ब्लंडर को काट के बनाया है। मेरे पास वैसे भी वो एक एक्स्ट्रा पड़ा ही था। तो ऐसा रबड़ मेरे को कहीं नहीं मिला, तो मैंने खुद ही ब्लंडर को काट के बना लिया। आगे की वीडियो में भी वो और काम आएगा। तो आप भी अपने फुटबॉल को फोड़ दें और रबड़ के टुकड़े को इस तरह से यूज़ कर लें, ठीक है। इस रबड़ को सही जगह लगाने के बाद आप इस पर ग्लू लगा दें, जिससे कि वो अच्छी तरह से चिपक जाए। और एक लो इस तरह से स्टील के टुकड़े से इस पर ये वाली कील ठोक दें और इसको प्लेस कर दें उसी जगह पर। और देख लीजिए, इस तरह से आपका कुछ बन चुका है। आपका कुछ नहीं बना, सब बता दो, मेरा ही है। और ये फ्रेम बनाने के लिए लकड़ी के टुकड़े, इन लकड़ी को टुकड़ों को मैंने एक फ्रेम से तैयार किया है। फोटो फ्रेम थी मेरे पास बड़ी वाली, तो उसको तोड़ के प्रयोग किया है। और इसकी वार्निंग आपको हमारे ये छोटे लाल देंगे। आप अगर ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और मेरी तरह किसी फोटो फ्रेम की लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपनी मम्मी के हाथ के बने बेलन के फटके और लाइटर के चटके खा सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कृपया उसे पूरी पढ़ ले। यहाँ पर इसको सही से निशान लगा लें अच्छे से, और इस तरह से छोटे लकड़ी का टुकड़ा यूज़ करें। मैंने और इसको अंदर डाल रहा हूँ मैं। यहाँ पर कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं था, इसीलिए मैंने अकेले ही शूट करने की कोशिश की। और माफ़ी चाहता हूँ इसलिए थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई, पर आप देख सकते हैं कि उसको सही से प्लेस करने के लिए। और यहाँ पर लकड़ी है, लकड़ी ना आप होल देख रहे होंगे, मैंने होल ही किए हैं, ना कोई कील घुसाई है, कील से ही अच्छे तरह से बनेगा नहीं। और इस तरह की कुछ लकड़ी के टुकड़े टुकड़े देख सकते हो। और ये जो ग्लू है, ये ग्लू का नाम बताएंगे हमारे छोटे राम। इस ग्लू का नाम है एरोलाइट ग्लू। और मैं टेप का यूज़ कर रहा हूँ ग्लू लगा के इन लकड़ी के टुकड़ों पर, क्योंकि ये एक जगह पर फिक्स हो जाए ताकि ऊपर नीचे ना हो और ग्लू भी ज़्यादा नीचे ज़मीन पर ना गिरे।
और ये ग्लू कम से कम 3 से 4 घंटे लेगा सूखने में, सही तरीके से सूखने में 3 से 4 घंटे लेगा। तो आप इसको पहले पूरा जोड़ ले, उसके बाद थोड़ी टाइम सूखने के लिए इसको रख दे। और ये लकड़ी की स्टिक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, ओवन में डाल के फ्रेम को तैयार खड़ी करने के लिए इसको और इतना निकाल दूंगा जितना कि वो फ्रेम का ओवन उस लकड़ी टुकड़े को खड़े करने के लिए है। और अभी इसे अच्छी तरीके से टाइट कर दूँगा, इसमें मैंने पहले नीचे होल किया हुआ है तो इसीलिए इसमें आसानी से घुस जाता है। और मैंने मेजरमेंट लेके पहले से ही इसको साइज और सब शेप में मेजरमेंट कर लिया था, तो आप भी उसी तरह से करें वरना इसका शेप कुछ आपके मन छाए रूप से नहीं होगा। और 2 लकड़ी के टुकड़े और लगा दे इसके पीछे ताकि ये अच्छे तरह से फिक्स हो जाए। इस तरह से इसको लगा दूंगा ग्लू के, मैंने ग्लू से लगा दिया है इनको और सूखने के लिए रख दिया है। और फ्रेम हमारी तैयार हो चुकी है और ये कुछ इस तरह से दिख रही है आपके सामने है जो। और ये जो ब्लैक 2 डॉट दिख रहे हैं वहाँ पर हमें होल करने, होल कर देता हूँ। ये होल कुछ करेंगे ना लकड़ी का टुकड़ा उसको पकड़ने के लिए, तो उसको करना बहुत ज़रूरी है वरना फिर वो फ्रेम इस लकड़ी को जो थ्रो करने वाली लकड़ी का टुकड़ा है उसको सही से पकड़ना चाहिए। और यहाँ पर 2 होल करने हैं मैंने, उंगली दिखाई दे होगा यहाँ पर, मैंने पहले से होल कर रखे थे सॉरी। अभी मैंने कील डाल दी है और नीचे भी, नीचे से ये फिक्स नहीं है तो नीचे भी इसी तरह से होल करने और उसको ज्वाइन में लगाना, तो यहाँ पर भी होल कर देते हैं। यहाँ पर भी मैं कुछ होल कर देता हूँ नीचे, पहले इनके साइज का नाप लेके सेम लेंथ में सेम लाइन में होल कर देता हूँ। जैसे दिख रही है यहाँ पर नीचे कील डाली है, ये जो ब्लैक लाइन से कील के लिए मैंने दिखाई है इसमें। और यहाँ पर कीलों को फिक्स कर ले ताकि ये मतलब हिले डुले ना और ये सही से काम करें। तो देखिए अभी ये हमारी मशीन पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, अब इसके बारे में सिर्फ टेस्ट करने के, तो चलिए फिर से एक बार टेस्ट कर लेते हैं। देखो अब रबड़ का जो फोर्स है इसलिए मैंने ब्लेंडर को काट के इसको सही से तैयार किया था। चलो 30 में से 12 तो मर गए, अभी बचे जो 18 उनका भी इलाज कर दें। तो मैंने ये जो है पर्सन ये काट के बनाए छोटे छोटे। जो अगर आप चाहते कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब मत करो, कोई बात नहीं, जाने दो। और बेल आइकन भी दबाया तो उसको भी रहने ही दो।